हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल त्रुषाभिमानी। आज हम बनाने वाले हैं अहमदाबाद की फेमस घुघरा सैंडविच। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। तो चलो झटपट से ये टेस्टी सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो सैंडविच बनाना स्टार्ट करते है। तो सबसे पहले बनाएंगे सैंडविच चटनी। तो इसके लिए मैंने ये ब्लेंडिंग जार ले ली है और इसमें हम ये धनिया डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम धनिया लिया है। अब हम इसमें पुदीने के पत्ते डाल देंगे। पुदीने के पत्ते से चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसमें ये हरी मिर्च डालेंगे और ये जो हरी मिर्च है वो तीखी वाली हरी मिर्च है। और अब हम इसमें रेगुलर हरी मिर्च डालेंगे। ये मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, तो ये वाली मैंने 2 हरी मिर्च डाली है। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे। मैंने यहाँ पे स्मॉल साइज के 2 पीस लिए हैं। अब हम इसमें 6 कलियां लहसुन की डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल डाल देंगे। इससे हमारी चटनी का बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। अब हम इसमें लेमन डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधे लेमन का जूस डाला है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल देंगे और 2 टेबलस्पून ठंडा पानी डाल देंगे। मेक श्योर कि पानी ठंडा होना चाहिए। अब हम इसको कवर करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और देखिए, हमारी सैंडविच चटनी तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है और इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही बढ़िया आया है। तो चलो अब हम फिलिंग बनाते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम ये कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम को मैंने पहले से ही बारीक चॉप कर लिया था और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का कैप्सिकम लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था और यहाँ पर भी मैंने मीडियम साइज का एक प्याज लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ग्रीन चिली डाल देंगे। ये ग्रीन चिली स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। धनिये को भी मैंने अच्छे से धो के बारीक चॉप कर लिया था। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। और देखिए, हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अब हम इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो चिली फ्लेक्स ना डालें या फिर बहुत ही कम डालें, क्योंकि इससे बहुत ही स्पाइसी हो जाएगी हमारी सैंडविच। अब हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, तो इसमें हम ये मसाला डाल देंगे। तो हमारा सैंडविच का मसाला तैयार है। तो चलो अब हम सैंडविच बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सैंडविच के सभी इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिया है, तो अब हम सैंडविच बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये व्हाइट ब्रेड के 3 स्लाइस लिए हैं। अब हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। तो बटर को इसी तरह से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जितना बटर पसंद करते हो उतना आप लगा सकते हो। अब हम इसके ऊपर सैंडविच चटनी लगाएंगे और चटनी को भी हम इसी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इस चटनी की वजह से हमारी सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगती है, इसीलिए आप ग्रीन चटनी स्किप बिल्कुल मत करना। तो हमने ग्रीन चटनी को भी अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर हमारा ये फिलिंग रखेंगे और इसको भी अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये सैंडविच टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड का भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमारी एक ब्रेड तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड को तैयार करेंगे। इस ब्रेड के ऊपर भी हम ये बटर लगाएंगे और इसके ऊपर हम सैंडविच चटनी को स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर हम ये फिलिंग डाल देंगे, इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो हमारी ये वाली ब्रेड भी तैयार है। अब हम तीसरी वाली ब्रेड तैयार करते हैं। तो इसके ऊपर भी हम बटर लगाएंगे
और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर सैंडविच चटनी लगाएंगे और इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो हमारी ये ब्रेड भी तैयार है। अब हम इस ब्रेड के ऊपर चिली फ्लेक्स और रोस्टेड जीरा पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे चिली फ्लेक्स बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसके बाद हम इसके ऊपर चीज डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे चीज के 4 क्यूब लिए हैं। अब हम चीज को ये ब्रेड के ऊपर इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे आपको चीज जितना पसंद हो आप उसी तरह से डाल सकते हो। तो इसी तरह से हम चीज को दोनों ब्रेड के ऊपर डाल देंगे। तो हमने दोनों ब्रेड के ऊपर चीज ग्रेट कर लिया है। अब हम ये वाली ब्रेड को धीरे से उठा के ये वाली ब्रेड के ऊपर रख देंगे और मैंने फिर से इसके ऊपर चीज डाला है, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसके ऊपर तीसरी ब्रेड को रख देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे। बटर लगाने से हमारी सैंडविच अच्छे से टोस्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से हम बटर लगा देंगे और हमारी दो लेयर वाली सैंडविच तैयार है। तो चलो इसे टोस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक तवा ले लिया है और ये अच्छे से गर्म भी हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा बटर डालेंगे और इस बटर को ऐसे स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर हम सैंडविच रखेंगे। तो सैंडविच को मैंने ऐसे रख दिया है। अब हम इसे 1 मिनट तक टोस्ट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने स्टोव की फ्लेम को मीडियम ही रखनी है। तो 1 मिनट हो गई है, अब हम इसे पलट लेंगे और देखिए हमारी सैंडविच अच्छे से टोस्ट हो गई है और क्रिस्पी भी हो गई है। तो इसी तरह से हम आधी मिनट के लिए दूसरी साइड को पकाएंगे और इसे पलट देंगे और उसके बाद इसके ऊपर बटर लगाएंगे। तो आधी मिनट हो गई है और ये थोड़ी टोस्ट भी हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे और बटर लगाने के बाद हम फिर से इसे आधी मिनट तक पकाएंगे। तब तक हमारी पहली वाली साइड थोड़ी पक जाए। तो अब हम इसे पलट देंगे। तो देखिए हमारी ये पहली वाली साइड अच्छे से पक गई है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो गई है। अब आधी मिनट के बाद हम फिर से पलट देंगे। तो आधी मिनट होने के बाद देखिए हमारी ये वाली साइड भी बहुत ही अच्छी तरीके से पक गई है। तो हमारी ये सैंडविच अच्छे से टोस्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी घुघरा सैंडविच बन के तैयार है। अब हम इसे कट करेंगे और ये सैंडविच ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है। आप घर पे एक बार जरूर ट्राई करना। और देखिए, लग रही है ना टेम्पटिंग, हमारा मसाला और चटनी बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इस सैंडविच को फिर से कट करेंगे और इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और बाद में इसे सर्व करेंगे। तो हमने 4 पार्ट कर लिया है। आप इस सैंडविच को टोमेटो केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी बहुत ही फेमस घुघरा सैंडविच तैयार है और ये बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।